सर्दी में तो और ज्यादा हो जाती थी, गर्मी में भी रहती थी मुझे, समर टाइम में भी। मैं तो अपना लिया था उस सर्दी को, खत्म नहीं होगा सोचा था, लेकिन दवा मिलने के बाद अब तो कम हो रहा है दवा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, बैंगलोर विजिट पे तो हम पहुंचे हुए हैं और अपने बहुत सारे पेशेंट से हम मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सेहत का हाल। क्योंकि जब आप लोग सेहतमंद होते हैं तो वो खुशी हमें भी होती है, लेकिन वो खुशी देखने के लिए हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, आप भी हमारे क्लिनिक पर विज़िट कर रहे हैं। तो बैंगलोर में लगातार हमारा सफ़र जारी है और इस सफ़र की शुरुआत हमने दिल्ली से की थी, फिर हम मुंबई गए, हम लोग हैदराबाद गए, दुबई गए और अब मैं जैसा कि बैंगलोर में हूँ और अपने क्लिनिक पे हूँ, वहाँ पे हमारे ख़ास पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत ही यंग हैं और आपको बताना चाहूँगी, उनका नाम है रिहान। तो जानते हैं रिहान से कि उनको क्या कुछ तकलीफ़ थी, वो हकीम साहब से कैसे जुड़े, कौन सा नुस्खा, कौन सी दवाई हकीम साहब की उन्होंने आज़माई और कितना वो सेहतमंद हो गए हैं। तो बिना देरी किए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है रिहान। इस्तकबाल, क्या उम्र है आपकी? अभी 18 चल रहा है। ठीक है, और करते क्या है आप, कौन सी क्लास में या फिर कॉलेज में? अभी स्टडीज़ तो चल रहे मेरे, अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी आपको और हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? असल में प्रॉब्लम ये थी, बचपन से मुझे था सर्दी का ये, तो सुबह जब भी सुबह उठते हैं तो उठ के जब भी पानी छिए ठंडा कुछ भी किए तो सर्दी शुरू हो जाता, खांसी शुरू हो जाता है, कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं हो कंटिन्यू। एक दो बार तो खून भी निकल जाता था नाक से, वैसा प्रॉब्लम था। तो बहुत परेशान था, एक बहुत 3-4 महीना तो ऐसे ही चल गया था। बाद में पता चला कि ऐसा ये था, वो इंग्लिश दवाई भी आते थे वो कभी भी लेते या एक दिन कम हो जाता, अगले दिन फिर शुरू, यानी कभी रुकता नहीं था वो। जब खाते थे तभी ठीक, तभी ठीक होता था, फिर हो जाता, फिर शुरू हो जाता था, ऐसा था। तब बाद में पता चला कि ऐसा मार्केट में या शाह हेल्थ एंड हर्बल दुकान है, हकीम साहब के मटेरियल है, टीवी में भी देखा था बहुत सारे एड, आर के आ रही है वो दर्द के लिए, तो इसलिए आया इधर। तो आर के आर माजून दिए खाने के लिए, बोले कंटिन्यू 3 महीना खाए कम हो जाएगा बताए थे, तो वो चल रहा है अभी। ठीक है, माजून आर के आर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं 1.5 महीने से ना? जी, 1.5 महीना। आराम कितना परसेंट माने? 50% से ज़्यादा हो गया अभी, आराम हो गया है। तो आप जब माजून आर के आर खाते हैं, जब तक खाते हैं तभी तक आराम रहता है या फिर आराम? नहीं नहीं, अभी तो आराम चल रहा है, अब पहले जैसे पानी को छीते ही एकदम ये हो जाता था, छीके शुरू होती थी, शुरू सर्दी कंटिन्यू दिन भर रहता था, अभी तो उतना नहीं, अभी छीता हूँ तो फिर भी कुछ भी नहीं, चल रहा है अभी ठीक है। कभी कभी यानी बाहर गए एयर पोल्यूशन डस्ट उसके लिए आता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाती है। ठीक है, और फैमिली में कोई और भी हकीम साहब की दवाइयाँ अपना रहा है? जी, बहन भी है मेरी एक, वो भी अपना रही जी है। उन्हें आराम है? हाँ, उनका आराम है, आराम है। 18 ईयर्स के हैं सिर्फ आप रिहान, बहुत छोटे हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो कितना आराम आपको तो लग रहा है जो आप ही से मैंने जाना, लेकिन पहले जो सिचुएशन थी और अब की जो सिचुएशन है, तो अब ज़्यादा राहत आपको लगती है कि पहले ही? ज़्यादा राहत है, पहले तो कंटिन्यू सर में दर्द भी रहता था सर्दी के लिए। अच्छा, अभी फाइन है सब, एकदम सब ठीक है, सब ठीक हो गया है। अब मम्मी पापा भी परेशान तो नहीं होते? पहले परेशान हो जाते होंगे जब इतनी छींके आती थी और पानी में हाथ डालने से भी बचते होंगे। अच्छा, 12 महीने रहती थी आपको प्रॉब्लम? हाँ, कंटिन्यू एकदम। अच्छा, सर्दी में तो और ज़्यादा हो जाती थी, गर्मी में भी रहती थी मुझे, समर टाइम में भी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, कैसे ठीक हो पाऊँगा? मैं अपना लिया था वो, अब मुझे मैं उस इसको अपना लिया था कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा उसके बाद। जी, मतलब अपना लिया था तो एक उम्मीद मिल गई फिर जी, माजून आर के आर जब खाया जी, कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब तो ठीक हो रहा, अब तो खत्म भी हो गया, ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू के जरिए अगर आप अपने मन की कोई बात उनसे कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपना लिया था उस सर्दी को, खत्म नहीं होगा सोचा था, लेकिन दवा मिलने के बाद अब तो कम हो रहा है दवा, तो शुक्रिया। खुशी बहुत है,
चलिए रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि जो उम्मीद आप छोड़ चुके थे कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा, लेकिन वो उम्मीद अब आ गई है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएँ और बेस्ट विशेस, शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी रेहान को, जो सिर्फ 18 ईयर्स के हैं। उन्हें प्रॉब्लम थी, यानी कि 12 महीने उन्हें जुकाम खांसी रहता था। वो ठंडी चीज़ या तो खाते थे या फिर पानी में भी हाथ डालते थे तो तुरंत उन्हें छींके आने शुरू हो जाती थी। सर्दी की उन्हें शिकायत थी। पहले उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट अपनाए लेकिन उससे आराम नहीं मिल पाया। जब तक ट्रीटमेंट अपनाते थे तब तक आराम लगता था, लेकिन जब हकीम सलमान खान साहब का माजून आर केयर का इस्तेमाल उन्होंने किया तो देखिए सिर्फ 1.5 महीने में उन्हें इतनी राहत मिल गई है कि उन्हें लग रहा है, जैसे कि आप सभी ने भी सुना, कि बिल्कुल परेशानी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे ही वो उम्मीद आप लोग भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होता है, यूनानी ट्रीटमेंट आप लोगों को फॉलो करना होता है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, आप लोग भी अपने घर हमें इन्वाइट कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हम जानेंगे आपकी सेहत का हाल। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।